सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या .com में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरे चाट। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कुरकुरे चाट बनाने के लिए। यह 10 वाला पैकेट लिया है मैंने कुरकुरे के। 3 पापड़ मैंने बिना ऑयल के चूल्हे पर सेक लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने केचप लिया है, टोमेटो केचप। आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। 1 उबले हुए आलू को बारीक कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है। ये साबुत धनिया लिया है, इसको मैंने बिना ऑयल के ही हल्का सा भून लिया है। 2-3 कली मैंने लहसुन के लिए हैं, इसको भी ऑयल में भून के रखा हुआ है पहले से। और ये 2 लाल मिर्च लिए हैं, ये भी ऑयल में भुना हुआ है। रेडीमेड आलू भुजिया लिया है, ये रेडीमेड है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर है और 1 चम्मच सरसों ऑयल है। तो स्टार्ट करते हैं कुरकुरे चाट बनाना। धनिया रख लेंगे इसमें। डंडी को तोड़ते हुए लाल मिर्च रख लेंगे। लहसुन, नमक, जीरा पाउडर, सरसों ऑयल और ये टोमेटो केचप। अब इसको बारीक पीस लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। पीसते टाइम इसमें मैंने 1 चम्मच पानी भी डाला है। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। पापड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लेंगे। कुरकुरे भी डाल लेंगे। आलू, प्याज और ये आलू भुजिया। और ये पीसा हुआ पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। कुरकुरे चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब